आज ओके सेल का हमारा थर्ड वीडियो है और थर्ड वीडियो के अंदर हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट रन करके देख लेते हैं। सो एनपीएम स्टार्ट किया मैंने, एनपीएम स्टार्ट, और एक में मैंने MongoDB किया, बेसिकली साइन इन पे क्लिक किया, लॉग इन पे क्लिक किया। यहाँ आप देखेंगे लाइव सर्वर के साथ कनेक्ट भी हो गया है ये। अब सबसे पहले जो है आपको मॉडल्स प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं गया मॉडल्स के अंदर और एक यूजर मॉडल हम प्रिपेयर करते हैं, यूजर मॉडल डॉट जेएस नाम से। जो भी मॉडल आप बनाओ यूजर मॉडल डॉट मॉडल के नाम से आप बना सकते हो। तो मैं मुझे यूजर बनाना है, यूजर से रिलेटेड मुझे ऑपरेशंस करने हैं, तो यूजर मॉडल मैंने बनाया है, कॉन्स्ट यहाँ पर किया मैंने, और यहाँ पर लिया हमने मंगूस। मंगूस डाटाबेस हमें यूज करना है और आप इसको रिक्वायर करवा लो मंगूस लाइब्रेरी से, बेसिकली जो आपने मंगूस डाटाबेस इंस्टॉल किया है। सो मंगूस, ठीक है, और यहाँ से आपको इसको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट डॉट डॉट मॉड्यूल, एक्सपोर्ट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू मंगूस डॉट मॉडल, ठीक है। और जैसे ही ये मॉडल मेथड हम कॉल करेंगे, सो यहाँ पर ये बताएगा कि सबसे पहले तो आपको कौन सा मॉडल बनाना है, आपका कलेक्शन नेम बेसिकली, और दूसरा स्कीमा, ठीक है। सो किस नाम से आपको अपनी टेबल बनानी है, तो टेबल को बेसिकली यहाँ पर हम कलेक्शन बोलते हैं। सो यहाँ पर मुझे जो है यूजर्स नाम से मुझे बनानी है, तो ऑलरेडी मैंने जो है यहाँ पर कलेक्शंस में आप जाके देखना, इस कलेक्शंस के अंदर एक यूजर्स नाम से ऑलरेडी एक कलेक्शन पहले मैं बना चुका हूं, तो इसको आप रहना इसको इसको यूजर्स नाम से बना रखा है, इसको मैं जो है यूजर नाम से मैं बना देता हूं, ठीक है। और यहां पर आपको जो है यूजर स्कीमा देना है। सो यूजर स्कीमा, सो यहाँ पर यूजर स्कीमा आप डिफाइन कर लेना अपना। सो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया कॉन्स्ट यूजर स्कीमा, यूजर स्कीमा आपने दिया, और इज इक्वल टू न्यू ऑफ मंगूस। सो ये जो आपके पास क्लास है, एक मंगूस आपके पास एक क्लास है, इस क्लास का आपको एक ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पर आपको रखना है, और यहाँ पर आपको एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको कुछ पैरामीटर्स आपको पास करने हैं। सो जब से जैसे कि सबसे पहले मुझे स्टोर करना है फर्स्ट नेम स्टोर करना है, सो फर्स्ट नेम मैंने स्टोर किया कॉलन, और यहाँ पर आप उसका पैरामीटर्स आप डिफाइन कर सकते हैं। सो टाइप क्या होगा, यहाँ पर टाइप क्या होगा मैंने दे दिया स्ट्रिंग होगा, सो ये स्ट्रिंग दे दिया। टाइप के अलावा और क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, सो एक प्रोजेक्ट मैंने बनाया हुआ है कल, सो मैं वो आपको बता देता हूँ। प्रोजेक्ट टू सेम ऐसा कैसा क्लोन बनाया हुआ है, तो कोई अगर स्कीप अगर हम कर रहे हैं तो वो यहाँ से हम देख सकते हैं। सो यहाँ से मैं इसको नोटपैड प्लस प्लस में ओपन कर लेता हूँ। सो आपको क्या करना है,
मोंगूस डॉट स्कीमा, मोंगूस ऑब्जेक्ट की स्कीमा मेथड को आपको कॉल करना है, ठीक है, और उसके अंदर आपको अपने जो है फील्ड्स डिफाइन करने हैं। सो रिक्वायर्ड है कि नहीं है, ट्रिम है कि नहीं है, मिनिमम मैक्सिमम लेंथ आप दे सकते हो। सो सबसे पहला है कि जो आपने क्लास इंपोर्ट किया है, इस क्लास के अंदर एक मेथड होगी स्कीमा, उसको कॉल करवाना है। सो यहाँ पर मोंगूस डॉट स्कीमा यहाँ से मैंने लिया, और इसके अंदर जो है हम अपनी जो फील्ड्स डिफाइन करेंगे। तो मान लीजिए आपको अपने यूजर टेबल के अंदर क्या क्या फील्ड लेनी है, सिंपल सी बात है कि यूजर टेबल के अंदर मुझे फर्स्ट नेम लेना है, लास्ट नेम लेना है, तो वो आप यहाँ से इस तरीके से आप ले सकते हो। तो जो फर्स्ट नेम लेना है उसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, तो यहाँ मैं स्ट्रिंग मैंने डिफाइन कर दिया। उसके बाद क्या है, क्या वो रिक्वायर्ड है, सो अगर वो रिक्वायर्ड है सो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि रिक्वायर्ड कॉलन, यहाँ पर मैंने दे दिया ट्रू। उसके बाद आप क्या ले सकते हो, उसको ट्रिम करना है कि नहीं करना है, जैसे फर्स्ट नेम में लेफ्ट और राइट साइड में वाइट स्पेस आ रहे हैं तो उनको ट्रिम करना है कि नहीं करना है। सो ट्रिम अगर करना है तो उसको आप ट्रू ले सकते हो। आपके मिनिमम लेंथ कितनी होगी, तो मिनिमम लेंथ आप उसको ले सकते हैं टू, और मैक्स लेंथ आप ले सकते हैं उसको, उसको मैक्स लेंथ आप 20 ले सकते हैं, कि जो आपका फर्स्ट नेम है वो मिनिमम 2 कैरेक्टर का होना चाहिए और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने अपनी यूजर टेबल के अंदर, और जब भी हम मोंगो के अंदर वर्क कर रहे हैं, मोंगो डेटाबेस के अंदर, तो उसको यूजर टेबल ना बोलते हुए हम क्या बोलेंगे, यूजर कलेक्शन, ठीक है ना। जब भी मोंगो की टर्मिनोलॉजी, उसको हमेशा हम कलेक्शन बोलेंगे। कलेक्शन बोल रहे हैं मतलब टेबल, और टेबल है तो टेबल्स की कुछ फील्ड्स होती हैं, तो उन फील्ड्स को डिफाइन करने के लिए हमें स्कीमा सेट करना पड़ता है। फील्ड्स सारी किससे डिफाइन होगी, स्कीमा से। सो स्कीमाज में जाके हमने यूजर्स कलेक्शन में मुझे क्या क्या फील्ड स्टोर करनी है, मुझे यूजर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, जो जो भी आपको फील्ड चाहिए वो आप यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट की तरह आप स्टोर करवा सकते हो। सो मैं अभी फर्स्ट नेम ले लेता हूँ और यहाँ से मैं लास्ट नेम ले लेता हूँ। सो अगेन लास्ट नेम स्टोर करने के लिए सेम टू सेम यही मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर जो है इस तरीके से आप जो है यूजर से इंफॉर्मेशन आएगी और उसको जो है आप स्टोर करवा सकते हो। तो ये अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस यूजर मॉडल के अंदर मॉडल्स जो डायरेक्टरी हमने यहाँ पर बनाई है, इसके अंदर मेरे पास यूजर मॉडल है। यूजर मॉडल के अंदर हमने अपने डेटाबेस के अंदर एक कलेक्शन है, यूजर नाम का कलेक्शन है। कलेक्शन मतलब एक यूजर नाम की एक टेबल है, उस टेबल के अंदर क्या क्या फील्ड्स होंगे वो फील्ड्स को डिफाइन किया है, ठीक है। सो ये हम उसका सिर्फ स्ट्रक्चर, कलेक्शन का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं मॉडल्स के अंदर। अब जाके जो है इस मॉडल को हमें यूज करना पड़ेगा। सो इस मॉडल्स को आप यहाँ यूज कर सकते हो। सो ये हमने जो है सेव यूजर नाम का हमने इंफॉर्मेशन ले रखा है पोस्ट मेथड से है, और यहां से मैं पोस्टमैन भी ओपन कर देता हूँ। सो पोस्टमैन यहाँ पर लिया मैंने, और पोस्टमैन आया, और पोस्टमैन में फिर आप अपना सबसे पहले तो अपना वो पोर्ट नंबर देख लेना कि किस पोर्ट पे चल रहा है, अभी 4000 पे चल रहा है, ठीक है। सो http://localhost, और लोकल होस्ट की जगह आप क्या क्या लिख सकते हैं, 127.0.0.1 भी लिख सकते हैं ना, अगर आपको लोकल होस्ट नहीं लिखना है तो आप आईपी एड्रेस से भी आप चला सकते हैं। सो यहां पर मैंने लिखा लोकल होस्ट कोलन 4000/api/saveinfo। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे जो इस फाइल के अंदर जो राउट्स बने हुए हैं यूजर राउट्स के अंदर, सो स्लैश यूजर इन्फो है, मगर उससे पहले ये एपीआई कहाँ से आया, तो हमने क्या किया था कि इस राउटर, इस यूजर राउट वाली फाइल को हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया एज अ राउटर, और मेरी जो मेन इंडेक्स फाइल है उसके अंदर मैंने एज अ मिडिलवेयर एक यूज कर लिया और उसको प्रीफिक्स कर लिया एपीआई से। सो अब मेरी एपीआई क्या बनी, /api/saveinfo, ठीक है, /api/saveuser। सो /api/saveuser करके ये बनी, और चूंकि हमने यहाँ पर जो है एक मिडिलवेयर यूज किया हुआ था और मैंने बॉडी पार्सर का यूज किया है, तो जो भी रिक्वेस्ट हम क्लाइंट साइड से भेज रहे थे उस डाटा को एज अ जेसन में हमें स्टोर करना था। सो मैंने पोस्ट मेथड से लेना है डाटा, ये देखिए यहाँ पर पोस्ट मेथड लिया, और इस पोस्ट मेथड से डाटा अगर मुझे भेजना है तो मैं रॉ में भेजूंगा, और रॉ में आपको क्या चूज करना है, एज अ जेसन यूज करना है, और जेसन में मैंने एफ नेम और एल नेम भेजा, और जैसे ही मैं हिट करूंगा यहां पर तो कैन नॉट 404 आ रहा है। सो सेव यूजर, ये सेव इन्फो है। सो यहां पर मैं अभी चेंज कर लेता हूँ सेव यूजर, ठीक है। सो ये मैंने क्लिक किया, ये देखो
जो भेजा था वो के वही मुझे रिटर्न में मिल गया है। ये यहां पर ये देखो, क्योंकि ये इस एंड पॉइंट पर आया, और रेस डॉट, रेस का मतलब क्या हो गया, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स का स्टेटस मैंने क्या दे दिया, 200। तो यहां पर ये देखो रिस्पॉन्स का स्टेटस क्या आ गया, पोस्टमैन में 200 आ गया, और रिस्पॉन्स में ही मैंने ऑब्जेक्ट के थ्रू डाटा जो लिया था वो के वही दे दिया, और पूरा के पूरा ऑब्जेक्ट डाटा मेरा किसमें आ रहा है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर आ रहा है। सो मैंने एक डाटा फील्ड लिया, ये देखिए ये डाटा फील्ड लिया, और उसके अंदर पूरा के पूरा ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया, जो मैं रिसीव कर रहा था वो वही मैंने वापस से भेज दिया। अब हमें भेजना नहीं है, अब हमें डाटा लेना है और मोंगो डेटाबेस के कलेक्शन के अंदर उस डाटा को पहुंचाना है, ठीक है। सो यहाँ पर अब हमें जो है थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। सो सबसे पहला तो काम है आपका, अपना मॉडल इंपोर्ट करवा लो। सो ये मॉडल आपको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, यूजर मॉडल। सो यहां से मैंने लिया कॉन्स्ट यूजर मॉडल, मैंने यहां पर लिया इज इक्वल टू रिक्वायर, यहां पर मैंने किया रिक्वायर, और यहां पर मैंने ये मॉडल्स लिया, और इसके अंदर मैंने यूजर मॉडल को इंपोर्ट करवा लिया, ठीक है। यूजर मॉडल को मैंने यहां पर इंपोर्ट करवा लिया। सबसे पहला काम है कि मेरे डाटा को मुझे कंसोल लॉग करना है, जो डाटा आ रहा है उसको मैं कंसोल लॉग करूं। तो सबसे पहले मेरे पास डाटा क्या आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग, और डाटा कैसे आ रहा है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट जो मैंने भेजा है। सो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एफ नेम भेजा है मैंने, सो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एफ नेम, और वापिस से इसी को आप क्या करो, वापिस से अगेन क्या कर लो, कंसोल लॉग किया आपने, और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट लास्ट नेम आपने किया, और जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, आई थिंक ये नॉर्डमोन चल रहा है ना, देखो नॉर्डमोन चल रहा है, इसलिए जब भी मैं कोई चेंजेस करता हूं तो रिलॉन्च कर देगा। और नॉर्डमोन में क्या होगा कि चूंकि मैंने कंसोल लॉग किया है तो मुझे आउटपुट यहां दिखाई देगा बजाय कि पोस्टमैन के। सो जैसे ही देखिए यहां पर मैंने मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा रवि, और मैंने सेंड किया, और यहाँ पर रिस्पॉन्स भी आ गया, और वो के वही आउटपुट मुझे कॉन्सोल पे भी प्रिंट हो गया। इसका मतलब सक्सेसफुली जो है मैं यहाँ पर अपने इनकमिंग पैरामीटर को एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब आपको करना है डीस्ट्रक्चर करना है। सो डीस्ट्रक्चरिंग डी डाटा, सो डीस्ट्रक्चरिंग करना है। सो कॉन्स्ट मैंने यहाँ पर किया, और जो है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आप डेटा को डिस्ट्रक्चर कर लो, मतलब कुल मिला के आपके पास रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर पैरामीटर आ रहे हैं और उनको आप रिसीव कर रहे हो, उनको आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया उसमें से। सो एज अ एक्सट्रैक्ट कर लिया मैंने, मान लीजिए ये मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया एफ नेम, और यहां से एक्सट्रैक्ट किया मैंने एल नेम, ये मैंने एल नेम किया, तो ये मैंने डीस्ट्रक्चर कर दिया इसको। अब यहां पर जाके मैं इन दोनों लाइन को यहां से मैं कॉपी करूं, यहां पर पेस्ट कर दूं, और इन दो लाइन को कमेंट करूं, और डीस्ट्रक्चर यहां पर मैंने किया। तो अब डीस्ट्रक्चर करने से बेनिफिट ये है कि मुझे बार बार अब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट फर्स्ट नेम लिखने की जरूरत नहीं है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट लास्ट नेम लिखने की जरूरत है, आप डायरेक्टली किससे रेफर कर सकते हैं, अब अपने कोड में एफ नेम से। सो डीस्ट्रक्चर करने का ये बेनिफिट है कि आप अननेसेसरी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पैरामीटर नेम, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पैरामीटर इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं, अब आप डायरेक्टली पैरामीटर के नाम से उसको एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि आपने उसको क्या कर दिया है, डीस्ट्रक्चर कर दिया है। सो डीस्ट्रक्चर अगर मैंने किया है तो अब मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, एफ नेम और एल नेम लिख सकता हूँ, ये देखो मैंने लिखा यहाँ पर। जैसे ही सेव करूंगा तो नोटबॉन वापस से रिस्टार्ट हो गया, और मैं यहाँ पैरामीटर्स में यहाँ पर जाके मैंने जो लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा विक्की है ना, और मैंने सेंड किया। अब यहाँ पर आप देखना ये विक्की आ गया बेसिकली। सो बेनिफिट ये हुआ कि हमारा जो है डाटा डी स्ट्रक्चर हो गया है, इससे मैं डायरेक्टली पैरामीटर के नाम से एक्सेस कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को डी स्ट्रक्चर किया है। अब हमें देखना है कि जो हमारा यूजर मॉडल है उस यूजर मॉडल से हमें जो है डाटा सेव करना है। सो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने राउट्स फाइल के अंदर, आप जाइए, और मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से हमने किया है। सबसे पहला हमारा काम है डीस्ट्रक्चर करना, जो हमने किया है, उसके बाद यूजर जो मॉडल है उसका एक ऑब्जेक्ट आपको बनाना है। सो यहाँ पर जो है मैं यूजर ऑब्जेक्ट का ये हुआ यहाँ पर, और रिस्पॉन्स भेजने से पहले क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूजर मॉडल, यूजर मॉडल का हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये यूजर मॉडल को हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया था, ये
यूजर मॉडल को हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया था और इसी यूजर मॉडल को हमने यहाँ पर ऊपर ही ऊपर क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया। अब इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पर इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर ये देखिए कि यूजर जो मॉडल है हमारा ऊपर ऊपर हमने डिफाइन किया हुआ था, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाना है। सो यहां से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया कॉन्स्ट, और ऑब्जेक्ट आप स्मॉल केस में बना लेना इज इक्वल टू, जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम हमेशा क्या यूज करते हैं, न्यू ऑफ क्लास नेम। सो हमारा न्यू ऑफ यूजर मॉडल, ठीक है। यहां पर ये यूजर ले रखा है क्योंकि हमने यूजर किया है, बेसिकली यहां पर यूजर मॉडल है क्योंकि यूजर मॉडल ले रखा है। सो यहां पर हमारा क्या है, नेम्ड इंपोर्ट है कि डिफॉल्ट इंपोर्ट है, ये हमारा डिफॉल्ट इंपोर्ट है और डिफॉल्ट इंपोर्ट्स में हम किसी भी नाम से ले सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने यूजर मॉडल लिया, ये यूजर मॉडल, और इसका मैं इस क्लास का जो है बेसिकली एक ऑब्जेक्ट बनाया, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मुझे एक ऑब्जेक्ट पास करना है, और इस किसी भी क्लास के अंदर जब हम कोई ऑब्जेक्ट पास करते हैं तो उस क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर जाके वो पैरामीटर रिसीव होते हैं। ये आपको जावास्क्रिप्ट के बेसिक ES6 का जब आप क्लास सीख रहे थे उस समय चीजें मैंने बता रखी है। अब जो है आपको यहाँ पैरामीटर में आपको वो वैल्यू पास करनी है जो कि आपको डीबी में स्टोर करवानी है। सो मुझे यहाँ पर एफ नेम पास किया कॉमा एल नेम पास किया। सो एफ नेम कॉमा एल नेम हमने यहाँ पास किया, और यहाँ पर देखते हैं उसके बाद आपको क्या करना है कि इस ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया है, नाउ सेव सेव दी इन्फो। तो इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए जो आपके पास यूजर ऑब्जेक्ट जो आपका बना हुआ है, यूजर मॉडल क्लास का यूजर ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है, इसके अंदर आपके पास एक मेथड है, बिल्ट इन मेथड है, यूजर डॉट सेव नाम की मेथड है। ये आपको देखना है, यूजर डॉट सेव नाम की मेथड है, इसको बस कॉल करवाना है। सो यूजर डॉट सेव नाम की मेथड कॉल करवाई, उसके बाद क्या है, इसके अंदर जो है आपके पास रिस्पांस में जो भी आउटपुट आएगा उसको एज अ फैट एरो आपको रिसीव करना है। सो ये एज अ फैट एरो यूज कर लो, या फिर एज अ नॉर्मल फंक्शन भी आप उसको यूज कर सकते हो, एज अ नॉर्मल फंक्शन भी। सो या तो चाहूं तो मैं यहां पर जो है फंक्शन ये ऐसे करके भी आप यूज कर सकते हो, या फिर आप फैट एरो यूज करो। बेटर है कि हम ज्यादा से ज्यादा स्टिक करें फैट एरो पर। तो फैट एरो में क्या होता है, पैरेंथेसिस स्टार्ट, पैरेंथेसिस क्लोज, एरो, कर्ली ब्रेसेस। तो ये भी फंक्शन डिफाइन करने का ES6 का डिक्लेरेशन सिंटैक्स है कि आप फंक्शन फैट एरो के फॉर्म में भी बना सकते हो। सो फैट एरो के अंदर यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास दो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है, एक तो एरर है और डाटा। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट का नाम कुछ भी ले सकते हैं, इसको ED बोल सकते हो या एरर डाटा बोल सकते हो। सो पहला जो फॉर्मल आर्गुमेंट है वो हमेशा एरर होगा, दूसरा फॉर्मल आर्गुमेंट जो कि आपको रिस्पांस में मिलेगा जो एक्चुअल डाटा है। सो एरर और डाटा। सो यदि कोई एरर अगर आता है सेव करने में, तो यहां पर हमारे पास इस तरीके से हम उसको रिटर्न करवा सकते हैं कि अगर कोई एरर हो। सो यहां पर मैंने एक छोटा सा कंडीशन लगा दिया कि यदि कोई एरर हो, अगर कोई एरर हो तो हमें क्या करना है, हमें सर्वर पे रिस्पांस भेजना मत भूलना, रिस्पांस डॉट स्टेटस हमने बोल दिया, और इसको हमने बोल दिया कि 400, और रिस्पांस डॉट सेंड हमने बोल दिया कि यहाँ पर हमने कुछ भी हम बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एरर बोल दिया। सो रिस्पांस डॉट सेंड मैंने यहाँ पर दिया, ऑब्जेक्ट दिया, और यहाँ पर मैंने दिया MSG कॉलन, मैंने कुछ भी दे दिया यहाँ पर कि कुछ एरर आया है, ठीक है। मैं कोड लिख रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, और कोई एरर नहीं आ रही है, मतलब सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है आपके कोड में, ठीक है। उसके बाद अगर एरर नहीं आता है तो आप लाइन नंबर 21 पर आपका एग्जीक्यूशन आ जाएगा। अगर एग्जीक्यूशन आ रहा है मतलब आप का डाटा सेव हो गया है, अब आपको क्या करना है। सो डाटा सेव होने के बाद आप फ्रंट एंड पर ये डाटा भेज सकते हो। सो अगर डाटा है हमारे पास, सो इफ द डाटा एग्जिस्ट, तो यहां पर जो है डाटा अगर है हमारे पास तो हम क्या बोल सकते हैं, हम क्लाइंट पर हम रिस्पांस भेज सकते हैं। सो रिस्पांस डॉट स्टेटस, और जब भी कोई सक्सेसफुल ऑपरेशन होता है हम हमेशा क्या स्टेटस भेजते हैं, 200। जब भी कोई काम फेल हो जाए तो 400, 400, 404, नॉट फाउंड, 400, ये आप जो है स्टेटस कोड आप दे सकते हैं। रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस डॉट, यहाँ पर मैंने सेंड किया, और इस सेंड मेथड के अंदर आप ऑब्जेक्ट में आप अपना जो है डाटा आप भेज सकते हो, और जो डाटा आपने भेजा है वो आप डाटा दे दो, ये पूरा की पूरा, इसको आप MSG भी आप बोल सकते हो। सो
ठीक है, ऐप पहले क्रैश हो गई थी मगर अब चल रही है सक्सेसफुली। सो आई थिंक ये हमारा जो वर्क है ये ऑलमोस्ट हो गया है, और अब हम जो है देखते हैं। सो यहाँ पर मैंने लिखा ए और बी, ए और बी को मैं स्टोर करना चाहता हूँ। मैंने सेंड किया और देखते हैं क्या कोई एरर आ रही है कि क्या आ रही है। मुझे 200 मिल रहा है, मतलब सक्सेसफुली मेरा डाटा डीबी में स्टोर हो गया है। सो यहाँ पर एक एरर आई, और एरर को पढ़ना बहुत जरूरी है। आप जब भी आप कोड करते हो, आपके पास कोई एरर आती है, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आप कोड नहीं पढ़ते हैं। सो कोड पढ़ना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि कैन नॉट सेट हेडर आफ्टर दे आर सेंड टू द रिस्पॉन्स। मतलब आपने देखा होगा कि यहाँ पर ऑलरेडी हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर रहे हैं, तो इस कोड की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही एरर्स को आप हैंडल कर रहे हो। या तो आप 400 भेजोगे या 200 भेजोगे, आप दो दो बार 200 200 नहीं भेज सकते हैं। तो रिस्पॉन्स में एक ही भेजना, हम दो दो बार भेज रहे थे इसलिए दिक्कत आ गई। सो वापिस से मैं गया और कंट्रोल सी किया मैंने, एक बार प्रॉपर बंद करो, CLS किया और NPM आपने क्या किया, स्टार्ट किया। देखो सर्वर रनिंग है, डाटाबेस से भी हम कनेक्ट हो गए हैं। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि जो हमने API बनाई है नोड JS के थ्रू, वो API में मैं यहां से कुछ डाटा करूंगा, और इस डाटा को मुझे कहां दिखेगा, ये डाटा जाके मेरे लाइव मोंगो डेटाबेस के कलेक्शन के अंदर जाके इसमें एंट्री हो जाएगी जो भी मैं यहां पर करूंगा। सो वो सक्सेसफुली हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो मैंने ए और बी लिखा और मैंने सेंड किया, और देखते हैं क्या हुआ। अगेन क्रैश हो गया। सो जो है कैन नॉट सेट हेडर आफ्टर दे आर सेंड टू द क्लाइंट्स। सो रिस्पॉन्स डॉट सेंड इफ यूजर यूजर डॉट सेव, और यहां पर हम देखते हैं कि डेटा जो है फाइंड हमने किया, नहीं आ रहा है डाटा तो नहीं है, और ए और बी आ रहा है, डाटा यहां पर आ रहा है। सक्सेसफुल है। सो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि आपको रिटर्न करवाना है यहाँ पर, ठीक है, रिटर्न करवाना है। उसके बाद आपको आप जेसन सेंड करें, जेसन में स्टेटस ये आप भेज सकते हैं। कोई भी एरर आती है तो आप डायरेक्टली मैसेज के अंदर एरर ऑब्जेक्ट आप भेज दो, ताकि क्लाइंट साइड पर आप प्रॉब्लम को आप समझ पाए कि क्या दिक्कत आ रही है। इसमें आपको ये रखना है कि यूजर मॉडल के अंदर जो आपने फील्ड दे रखी है उसी नाम से आप अपनी फील्ड्स को डिस्ट्रक्चर करना है आपको, ठीक है। डिस्ट्रक्चर किया और उसी नाम से आपने सप्लाई कर दिया, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप फील्ड भी उसी नाम से आपको भेजनी है। सो ये करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर ये लिखा मैंने सी और डी, यहाँ पर मैंने सी और इसको डी लिखा और मैंने सेंड किया, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट आ गए। और आपको यहाँ जाना है मोंगो के अंदर, कलेक्शन के अंदर आप जाइएगा, इसमें डैशबोर्ड से जाके बता दूं आपको। सो यहाँ पर आपको कहाँ जाना है, कलेक्शन के अंदर आपको जाना है। कलेक्शन के अंदर आपको जो है आपका यूजर कलेक्शन मिल जाएगा, कलेक्शन मतलब टेबल। और जैसे ही यहाँ पर आप रिफ्रेश करोगे, सो ये देखिएगा, ये फाइंड पे आप क्लिक करना, तो जो लास्ट रिकॉर्ड जो मैंने इंसर्ट किए हैं ये वो आ गए हमारे पास। तो इसी तरीके से आप मोंगो के अंदर अपने डेटाबेस को स्टोर कर सकते हो। धन्यवाद।